पाया तो कितना नौती है। ओले बाबा ले चिपकू चिपकू चिपकू, मम्मा ऑयली ऑयली, मम्मा का ऑयली बच्चा, खूब सारा चिपकू चिपकू। हाँ अच्छा जी, पिलो के अंदर छुपना, पिलोज नीचे फेंकना, और क्या काम करता है? बहुत काम करता है घर में, बहुत काम करता है ना, इतना काम करता है कि मेरे लिए भी काम बढ़ाता है ना। अच्छा बाबले सोफे में बैठ के कैसे देखा जा रहा है कार्टून? इतने बड़े हो गए हो कैसे बैठ के देखा जा रहा है? यस मॉमी आई एम कमिंग, मॉमी खोखो के साथ मॉमी मॉमी खेल रही हूँ। अरे बाबले मैं क्यों थी पॉय, मैं छुंदरो छुंदरो बच्चा, मेरा छुंदर बच्चा। रूडी रूडी रूडी, दीदी को करने दो, लेट दीदी राइट इट। खोखो अब हे भगवान, वेयर इज अनदर पेंसिल? अच्छा देखो गुस्सा, रूडी दीदी को लिखना है ना, दीदी को होमवर्क करना है ना। खोखो नो डोंट डू दिस, राइट इट खोखो। अलमाना हाँ क्या चाहिए आपके लिए? मैं टीवी लगाती हूँ, बस दीदी का होने वाला है। दीदी ने ABCD कर लिया, अब दीदी 1-2 कर रही है, उसके बाद अच्छा बाप अच्छा जाओ यहाँ से, कहाँ जाऊँ? वेयर इज योर पेंसिल रूडी, कहाँ रखी अपनी पेंसिल, कहाँ रख दिया? खोखो राइट इट, अच्छा ढूंढ रहा है, कुछ ढूंढ रहा है, कहाँ जो तेको दिया था वो कहाँ है? क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? हाँ रोज कुछ ना कुछ नया। खोखो खोखो ये टैबलेट 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 तोड़ देगा, बी वेरी केयरफुल। ये टैबलेट को पकड़ के उसको मारता है फ्लोर पे, इसको नहीं पता। खोखो बी वेरी केयरफुल, डैड इज नॉट गोइंग टू बाय अनदर वन फॉर यू, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, यू नो दैट। या देन कहाँ गया? या क्या हो रहा है महाराज? रूडी क्या ढूंढ? ओले बाबा ले जुकाम लग गया, नोजी आ गई, इश्की नोजी आ गई, नोजी आ गई। ओ बाबा ले यस पूरी पूरी कोशिश की जा रही है उस बॉक्स खोलने के लिए। एक में खोखो के फ्रूट सेट है, एक में पिज्जा सेट है जो आज ही आया है। क्या हो रहा है रूडी, क्या हो रहा है? नाम तो चलो पता चलने लग गया ऐसे। खोखो व्हाट यू आर डूइंग? खोखो शी बिकम रूडी, यू बिकम रूडी। अच्छा गेम मम्मा की ची, खोखो मेरा बच्चा गेम मम्मा की ची की ची। अच्छा मम्मा 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 का बच्चा, एक बच्चा वो कर रहा है, लग जाएगी खोखो रूडी। सो खोखो आर यू हैप्पी? हाँ ओ माय गॉड दिस इज योर पिज्जा सेट। तो ना ये काफ़ी दिन से इस खिलौने का वेट कर रही थी, टॉयज का वेट कर रही थी। रोज की मम्मा टॉय आया, जो भी डिलीवरी वाला भैया आ रहे थे उससे पूछ रही थी कि टॉय आया। तो फाइनली खोखो का पिज्जा सेट अरे बाबा रे तू गिरना मत, इधर आ जा नंगू पंगू खुरूडी, कम नंगू पंगू रूडी। वाह शो अस आल्सो, दिखाओ हमको भी, दिस इज फ्रेंच फ्राई एंड व्हाट एल्स, बर्गर। ओ माय गॉड खोखो इज नाउ यू आर हैप्पी? ओ नो मेरा बच्चा। And what else Coco got? Oh wow! Mommy, do you like to share the yummy pizza? Yeah, you will. Yeah. I will share a yummy pizza with Coco. Oh, Coco ne mujhe bhi diya. Oh.
रूटी को भी दिया, वेरी टेस्टी, बड़ा मज़ा आ गया। एंड व्हाट एल्स, व्हाट एल्स यू गॉट? ओके, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो स्वागत है आपका फिर से मेरे ब्लॉग में। तो आज ना खोखो कई दिन से ऑलमोस्ट पता नहीं क्या उसने क्या देखा, आई थिंक कोई कार्टून देखा क्या देखा, तो कब से पीछे पड़ी थी। पिज़्ज़ा सेट उसको चाहिए। उसके बाद उसने क्या किया, उसको पता है, इतना तो पता है कि अमेज़ॉन से चीज़ें आती हैं घर में, बाकी साइट का नहीं पता, अमेज़ॉन का उसको पता है। और क्या करती है, हमारा फ़ोन लेके उसमें से चूज़ करके ना उन टॉयज़ को वो अपने कार्ट में रख देती, जैसे हम ऐड टू कार्ट करते हैं, बट आगे का प्रोसेस उसे नहीं आता। तो वो कब से वेट कर रही थी। तो मैं मैं नॉर्मली ऐसे क्या करती हूँ, क्योंकि टॉयज़ तो इतने सारे हैं और इसे जो देखती है ना उसे लेना ही होता है। तो मैं काफ़ी दिन से ये बोल रही थी, हाँ ठीक है आ रहा है, ले रहे हैं। फिर एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ, नहीं यार, चल बच्चा पिज़्ज़ा सेट के लिए बोल रहा है। तो फिर मैंने ना खुद ही उसको ऑर्डर मारा और ऑर्डर को मैंने इसको दिखाया कि बेबो देखो ये ऑर्डर मैंने ऑर्डर कर दिया है और इट विल टेक, मतलब ये कुछ टाइम लगाएगा, आफ्टर 5 डेज, मतलब उसको बोलो ना एक टाइम बताना होता है उसे, तो आफ्टर 5 डेज। तो बोलती थी मम्मा 5 डेज, आफ्टर 5 डेज फिनिश, आफ्टर 5 डेज फिनिश, मतलब कि 5 दिन हो गए नहीं हुए। तो फाइनली इतना वेट करते करते मेरे बच्चे के पास आज उसके ये टॉयज आए हैं। उसके बाद क्योंकि आज नितिन की छुट्टी थी, वर्क फ्रॉम होम था, तो आके वो इतना खुश हुई है। उसके बाद हम लोग बैठे, वो कैप्चर नहीं कर पाई, वही होता ना, हर बार कभी कभी नहीं करते हो। तो वो बैठ के उसने हम पिज़्ज़ा कटिंग करा, मुझे पिज़्ज़ा खिलाया, नितिन को खिलाया, वो रूटी को दिया, केक दिया, मतलब वो, और वो पता नहीं क्या, मतलब बच्चों को लड़कियों को ऐसे टॉयज क्या पसंद होते हैं, कुक करके फिर वो लेके आई कि मम्मा वो देखो पीछे मेरा छोटू महाराज, इसने तो हद मचा रखी है, सारे पेड़ पौधे तोड़ ताड़ के मेरे घर में। और अब अलग, अब क्या कहानी होती है, अगर अभी बालकनी खुली हो ना तो बालकनी में घुस के उसके पेड़ पौधे तोड़ने की तैयारी कर रहा होता। तो इस तरह से मेरा छोटू तो बस पूछो मत, इसने क्या क्या गंद मचा दिया घर में मेरे। तो उसका फाइनली वो टॉयज आ गए, बहुत खुश है मेरा बच्चा। तो ये होता है ना कि छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं बच्चों की, जो अगर आप पूरी कर दो तो एक अंदर से अलग से सेटिस्फेक्शन, एक अलग से एक बहुत अच्छा फील होता है, होपफुली आप समझ सकते हो। तो गाइज आज का ब्लॉग कर देती हूँ मैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक ध्यान रखें, सुरक्षित रहिए, और प्लीज़ अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं आज या कल में सोच रही हूँ लाइव आने के लिए, आऊँ नहीं आऊँ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालना, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने किया था तो सिर्फ एक जना था लाइव पे था। तो मुझे लगा यार, तो मैंने ना वो लाइव डिलीट कर दिया। तो अभी मैं देखूँगी, मैं फिर आती हूँ, इस बार मैं डिलीट नहीं करूँगी, देखूँगी कि कितने लोग हैं, एटलीस्ट जितने भी लोग हैं, मैं लाइव करना शुरू करती हूँ, लाइक वीक में 2 लाइव मैं अब करा करूँगी। तो एज यूजुअल, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।